Hello everyone. We will continue our discussion on the DFA, and let's say that there is a language which has the 0, 1 in the alphabet set. It means this is the binary number, और हमें ऐसा देखना है कि वो binary number जो कि divisible by 2. इसके लिए हम एक sequence of binary number बना लेते हैं. Let's say 0000 which accepts the binary number which has the equivalent 0. Similarly, 0001 equivalent is 1. 0010 0011 equivalent is 3. 0100 equivalent is 4. 0101 it has the equivalent 5. 0110 equivalent is 6. 0111 which has the equivalent 7. 1000 it has the equivalent 8. 1001, it has equivalent 9. 1010, it has equivalent 10, and so on so forth. I'll write more if it required. So, इसमें आपके लिए target numbers कौन कौन से हैं लैंग्वेज में? 0 है, 0000 को हमने 0 लिख दिया, और 10 है, ये भी मतलब कि जो previous zeros है हमने उसको discard कर दिया या उसको consider नहीं किया. 100 है, इसके अलावा 0100 है. इसमें भी हम केवल 110 लिख सकते हैं. इसके बाद फिर 1000 है, 1010 है, एंड सो ऑन सो फॉर. तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बाइनरी नंबर जिसमें एंड में 0 आ रहा है वो सारे के सारे मेरे इवन नंबर है. तो हम ऐसा ही कर सकते हैं बनाने के लिए अपना ऑटोमेटा. अगर मुझे 0 मिला तो मैं फाइनल स्टेट में पहुंच जाता हूं, लेट्स से Q1, और अगर मुझे 1 मिला तो मैं वापस नॉन फाइनल स्टेट में आ जाता हूं, लेट्स से दैट इज Q0. सो Q1 यहां पे फाइनल स्टेट है. ओके, नाउ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें Q0 से 1 ट्रांजिशन दिखाएं. तो यहां पे ऐसा होगा कि हमें इसी स्टेट में रहना होगा, एंड देन Q0 पे अगर 0 मिलेगा तो हम Q1 स्टेट में रहेंगे. ओके, सो इस केस में मेरा जो फाइनल स्टेट है उसको हमने मान लिया कि वो Q1 है. इसी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, Q0 स्टेट हम इसको मान लें, और अगर 1 हमें मिलता है तो हम Q1 स्टेट में मूव कर सकते हैं, 0 मिलेगा तो हम फिर से Q0 स्टेट में मूव कर जाएंगे. Q1 स्टेट में 1 मिलता रहेगा तो हम यही रहेंगे, Q0 स्टेट में अगर 0 मिलेगा तो Q0 में ही रहेंगे. तो जो मेरे पास बाइनरी नंबर्स हैं उनमें से किसी को भी आप एक्सेप्ट करा के अगर देखें, लेट से हम 1010 को एक्सेप्ट कराते हैं, तो Q0 स्टेट से आप 1 पे मूव करते हैं Q1, 0 आता है तो आप मूव करते हैं Q0, फिर 1 आता है तो आप Q1 मूव करते हैं, और फिर 0 आता है तो आप Q0 मूव करते हैं, और Q0 को आपने फाइनल स्टेट मान रखा है. अगर हम इसका एक ट्रांजिशन टेबल बनाएं, Q0 यहाँ पे, Q1 यहाँ पे, 0 और 1 ट्रांजिशन, सो Q0 पे 0 मिला तो आप Q0 पे ही हैं, Q0 पे अगर आपको 1 मिला तो आप Q1 पे पहुंच गए, Q1 पे अगर आपको 0 मिला तो आप Q0 पहुंच गए, और अगर 1 मिला तो आप Q1 पे रहे. इस केस में Q0 जो हमारा स्टेट है वो फाइनल स्टेट है. तो ये सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिसका जो कि इवन होंगी, जो इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. तो इसका मतलब कि Q0 इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो Q1 है वो ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर आपको ऑड नंबर वाले एक्सेप्ट कराने हैं तो आप Q1 को फाइनल स्टेट मान लीजिएगा. नाउ इसी के साथ साथ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, और इस ट्रांजिशन टेबल को जो हमने बनाया है ये मेरे लिए बड़े ही काम की चीज है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे. लेट्स से अब हमें ऐसी लैंग्वेज के लिए बनाना है ऑटोमेटा जिसमें बाइनरी लैंग्वेज की तरह से या बाइनरी स्ट्रिंग की तरह से हमारा स्ट्रिंग कंसिडर हो रहा है, और जो भी स्ट्रिंग है लेट्स से W,
अगर उसका हम मॉड थ्री लें सो दैट इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ऐसे सारे बाइनरी नंबर जो कि डिविजिबल विथ थ्री हो। सो अगर अभी हमने टेबल बनाया था बाइनरी नंबर का, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, और 1011, 1100, 1101, 1110 एंड 1111। तो ये 11 को रिप्रेजेंट करता है, ये 12 को, ये 13 को, ये 14 को और ये 15 को। जो आपके लिए डिजायर्ड नंबर्स हैं वो 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है। सो L2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ 0, 3 मतलब 11, 6 मतलब 110, 9 मतलब 1001, फिर 12 मतलब 1100 एंड देन 15 मतलब 1111 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इट विल बी द इनफाइनाइट लैंग्वेज। सो सिंस बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी नंबर डिविजिबल बाई थ्री की हम बात करें, जब हम डिविजिबल बाई टू की बात कर रहे थे तो हम दो स्टेट्स ले रहे थे, जब हम डिविजिबल बाई थ्री की बात करेंगे तो हम तीन स्टेट्स ले रहे हैं, Q0, Q1 एंड Q2। अब इसका हम ट्रांजिशन कैसे दिखाएंगे? इसके लिए हम इस ट्रांजिशन टेबल को ध्यान से अगर देखें डिविजिबल बाई टू का, तो ये ऐसे सीक्वेंस है Q0 से Q1 एंड देन Q1 से फिर Q0 एंड देन अगेन Q1। तो सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे डिविजिबिलिटी विथ थ्री के साथ। तो Q0 है, Q1 है और Q2 है, तीन स्टेट्स मेरे पास हैं। 01 वो सिंबल्स हैं जिनसे हम ट्रांजिशन दिखाएंगे। Q0 से 0 मिलने पे हम Q0 जाएंगे, देन ये Q1 एंड देन ये Q2। फिर इसी को रिपीट करते हैं, Q0, Q1 एंड Q2। फाइनल स्टेट किसको मानना है? Q0 को फाइनल स्टेट हमें मानना है। तो जरा हम एक ऑटोमेटा बनाते हैं जो इस ट्रांजिशन टेबल के हिसाब से Q0 स्टार्ट स्टेट है एंड Q0 ही फाइनल स्टेट है। Q0 पे 0 मिलने पे Q0, 1 मिलने पे Q1, Q1 पे 1, Q1 से 0 मिलने पे Q2, Q1 पे 1 मिलने पे Q0 एंड देन Q2 से 0 मिलने पे Q1 एंड Q2 से 1 मिलने पे Q2। अब इनमें से किसी स्ट्रिंग को हम इससे एक्सेप्ट करा के दिखाते हैं। सो लेट्स से हम 1001 लेते हैं। सो Q0 से 1 मिलने पे आप जाते हैं Q1, 0 मिला आप जाते हैं Q2, फिर से 0 मिला आप गए Q1 और 1 मिला आप गए, सॉरी 0 मिला थे यहाँ पे और 1 मिला तो आप गए Q0 जो कि फाइनल स्टेट है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि इसको एक्सेप्ट करके दिखाए। लेट से हम 1111 लेते हैं। सो 1111 को एक्सेप्ट कराने के लिए Q0 से ट्रांजिशन स्टार्ट करेंगे, 1 मिलेगा Q1 में जाएंगे, अगेन 1 मिलेगा Q0 में जाएंगे, अगेन 1 मिलेगा Q1 में जाएंगे, अगेन 1 मिलेगा Q0 में जाएंगे जो कि फाइनल स्टेट है। सो आपने देखा कि ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जा रही है, इसका मतलब ये ऑटोमेटा सही बना। इस ऑटोमेटा में हमें एक चीज और देखनी है, इट इज सम ऑफ द नॉन रिक्वायर्ड थिंग्स हियर। सो नाउ आपको ये देखना है कि यहाँ पे Q0 स्टेट बता रहा है डिविजिबिलिटी विथ थ्री इक्वल्स टू जीरो और Q1 बता रहा है डिविजिबिलिटी विथ थ्री इक्वल टू वन एंड Q2 बता रहा है डिविजिबिलिटी विथ थ्री इक्वल टू टू। सो आपसे अगर ये कहा जाए कि बाइनरी नंबर डिविजिबल बाई थ्री इक्वल टू टू के लिए आपको लैंग्वेज बना आपको ऑटोमेटा बनाना है, तो उस केस में आप Q2 को फाइनल स्टेट बना दीजिएगा। देर विल बी नो चेंज इन द ट्रांजिशन टेबल, द ओनली चेंज विल बी द फाइनल स्टेट एंड Q2 विल बिकम द फाइनल स्टेट। एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं और उसके बाद फिर इस कॉन्सेप्ट को फिनिश करेंगे। लेट से हमने किसी लैंग्वेज के लिए, लेट से अल्फाइट लैंग्वेज है, उसके लिए हमें एक ऑटोमेटा बनाना है। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि बाइनरी नंबर W इज ट्रीटेड एज द बाइनरी नंबर और अगर आप इसका डिविजिबिलिटी विथ फाइव ले रहे हैं सो दिस शुड कम आउट टू जीरो। यहाँ पे अल्फाबेट सेट आपका 01 है।
नाउ इन दिस केस, जैसे आपने देखा कि डिविजिबिलिटी विथ टू के केस में आप दो स्टेट्स बना रहे हैं, डिविजिबिलिटी विथ थ्री के केस में आप तीन स्टेट्स बना रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी विथ फोर में चार स्टेट बनेंगे और डिविजिबिलिटी विथ फाइव में पांच स्टेट्स बनेंगे। ट्रांजिशन टेबल कैसे मूव करेगा ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम ट्रांजिशन टेबल बना लें, उसके बाद हम डायग्राम्स बना लेंगे। सो वी हैव क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री एंड क्यू फोर। ऑन जीरो द मूवमेंट विल बी क्यू जीरो, वन पे मूवमेंट क्यू वन। सीक्वेंस में करना है क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री एंड देन क्यू फोर। देन वंस अगेन क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री एंड क्यू फोर। व्हाट विल बी द फाइनल स्टेट? क्यू जीरो विल बी फाइनल स्टेट, क्योंकि डिविजिबिलिटी विथ फाइव की हम बात कर रहे हैं। तो अगर जो हमारे पास पांच स्टेट्स हैं, क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री एंड क्यू फोर, अगर हम क्यू जीरो की बात करते हैं, सो दिस टेल्स यू दैट मॉड फाइव इज इक्वल टू जीरो। क्यू वन मीन्स मॉड फाइव इज इक्वल टू वन, क्यू टू मीन्स मॉड फाइव इज इक्वल टू टू, क्यू थ्री मीन्स मॉड फाइव इज इक्वल टू थ्री एंड क्यू फोर इज मीन्स मॉड फाइव इज इक्वल टू फोर। तो ऑटोमेट आप बना सकते हैं अपने ट्रांजिशन टेबल के हिसाब से, एंड दिस विल वर्क फॉर एनी ऑफ द बाइनरी नंबर डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्स। If we are testing with for the divisibility with x, there will be x number of the states. So thanks for watching this video. We will come again with a new concept related to the DFA.